मोबाइल दी है ना, एक मिनट लो मोबाइल लो तुम, तुम्हें एक चीज गरीब दिखाऊंगी। लोगो। अरे गरीब लोगो, अभी तो तुम्हारा थोपड़ा साफ करेंगे हम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आए हैं, थोड़ी सी इन्फो। बुरा लो भाई, आज है 20 तारीख, तो सबसे पहले तो सभी भाइयों को ईद मुबारक। जो मतलब हो सकता है ये वीडियो एक दो दिन बाद आए, लेकिन ठीक है, अब कोई बात नहीं। तो भाई फिलहाल हो रखा बहुत बुरा हाल, वो इसलिए हो रखा क्योंकि हमने लगवा ली कोरोना की वैक्सीन दोनों ने। तो भाई मतलब कोविशील्ड लगवाई है हमने। एक्सपीरियंस आज इस वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस बताने आए हैं, मतलब क्या रहा। सबसे पहले तो भाई ये रहा कि मतलब भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी है, तो अभी अगर किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ही जाए, और लगने की तुम्हारे है नहीं वैक्सीन। क्योंकि क्योंकि ऑनलाइन हो रहे रजिस्ट्रेशन, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अभी नाम नूम आ नहीं रहा किसी का। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर आप लोगों का आधार कार्ड किसी ऐसे मोबाइल से लिंक है जो नंबर आपका चलता नहीं, तो उसे चेंज करा लो पहले तो, ठीक। दूसरी, अगर आपका जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो आधार का वो नंबर आप अपना लेके जाना, क्योंकि उस पर OTP आएगा। तीसरी, इसका सॉल्यूशन आप अगर किसी अरे सुन तो ले, अगर किसी बंदे का जो है आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो नंबर तुम्हारे पर नहीं है, तो एक कोविन ऐप है उस पे, मतलब ऐप बदला हूँ, कोविन एक साइट है रजिस्ट्रेशन की, उस पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना किसी भी नंबर से, और अपना आधार कार्ड लिंक कर लियो भाई पहले ही। तो ये तो होगी एक सरल सुंदर सी टिप तुम सबके लिए। दूसरी बात रही एक्सपीरियंस की, रुक जाओ। दूसरी, अगर गजब बेइज्जती है, एक्सपीरियंस बाद में आएगा ना। अगर किसी बंदे को क्या कहते हैं ये जानना कि कौन सी वैक्सीन मतलब ज्यादा सही है, दो वैक्सीन लग रही, तीन लग रही वैसे तो, तीसरी तो पैसे वाली, वो जो रसिया वाली, और भाई जो दो है तुम्हारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो जो कोवैक्सीन है वो है थोड़ी सी मतलब ठीक है, इफेक्टिव तो है, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो कोविशील्ड की है। एक तो उसका गैप ज्यादा, वो दूसरी जो लगेगी वो 80 दिन बाद लगेगी तुम्हारे, और वो मतलब थोड़ी सी बढ़िया मानी जा रही, तो वो ऑक्सफोर्ड वाली है ना कोविशील्ड जो है, तो वो ही लगवाना। और एक खुफिया बात है, अगर अगर किसी बंदे को जो है वो है क्या कहना है तुम्हें, बाबा सिर है, अगर तुम्हारी सेटिंग है कहीं, मतलब जो पुलिस पुलिस वाले वहां लग रखे है ना, मैं जैसे अब मैं तो हरिद्वार की बता रहा हूँ, बॉयफ्रेंड वाली सेटिंग नहीं भाई, सोर्स वाली सेटिंग। हाँ, अगर तुम्हारी सोर्स है पुलिस पुलिस में, जो लोग वहां पे वो लगे हुए क्या कहते हैं ड्यूटी पर लगे हुए हैं, तो उनसे उनसे पहली बातचीत करके जाना, नहीं तो तुम्हारा नंबर नहीं आता 4 दिन भी भाई। 4 बजे से सुबह 4 बजे से वहां लोग खड़े हुए हैं, हम आते और फिर भी किसी का नंबर नंबर आ नहीं रहा भाई वहाँ, ठीक है ना। अब बताओ भाई हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर हरिद्वार के निवासी हो तो हम हरिद्वार वालों को अपडेट दे रहे हैं, बाहर वालों के लिए आप हमें पता नहीं क्या होगा, बाहर वालों के लिए हमें पता नहीं, लेकिन कोई हरिद्वार से अगर है तो वो जो है ना मतलब अपनी या तो सोर्स वोर्स लगा के जाना, नहीं तो भाई रजिस्ट्रेशन करा लियो ऑनलाइन। 18 प्लस वालों के लिए कोई रजिस्ट्रेशन अभी ऑनलाइन चल नहीं रहा, क्योंकि वो लोग अपडेट ही नहीं कर रहे। जिस दिन हमारे लगी वैक्सीन उस दिन जो है ना 28,000 वैक्सीन आई थी उस सेंटर में, लेकिन कोई अपडेट नहीं थी ऑनलाइन, तो वहां पहुंच के लगवा लो जिसे लगवानी है। भाई हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं बताऊं तुम्हें। देखो भाई यो तो मैं जानता नहीं कि इम्यूनिटी कितनी तगड़ी है नहीं है, ये तो पता नहीं। इसके तो चढ़ा रहा भाई बुखार, ठीक, दो दिन इसके बुखार चढ़ा रहा, किसी किसी के एक दिन चढ़ा, आधा दिन चढ़ा, मैं अनोखी मेरे 2 दिन चढ़ा। पता है जिस दिन हमारे लगी वैक्सीन दिन लगी थी, हाँ मतलब 18 आज तीसरा दिन है हमें लगवाए हुए, तो ये बोल रही शाम को बुखार चढ़ेगा तेरे, पता चलेगा तुझे, सब पता चल जाएगा ये वो। भाई 12 बजे हम लगवा के आए,
दो ढाई बजे हमने खाना वाना खा लिया, उसके बाद यो ढेर मैडम इसे ना पता यो कहाँ है, होश भी नहीं आ रही, कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा। शाम को इसे उठाया यहाँ के, देखो ओह माय गॉड इसे तो बुखार उखार चढ़ रखा है, खतरनाक एकदम गर्म गर्म हो रखी है। उसके बाद इसे भाई खाना वाना खिला के इसे दवाई ववाई दे दी, खैर ठीक हो गया मामला, पर भाई मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक। लेकिन अगले दिन मतलब जो सुबह नेक्स्ट डे, उस दिन क्या हुआ, मेरे थोड़ा दर्द हुआ हाथ में, मतलब अभी भी है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन उस दिन मेरे खतरनाक दर्द हुआ, हाथ वात भी कहीं रखा नहीं जा रहा था मेरे हाथ की बात करो, मेरा तो अब तो जैसे थोड़ा बहुत नो भी नहीं हो रहा था, मेरा तो आते ही बंद हो गई थी, मैं तो मशीन ही काम करनी बंद कर दी थी मेरे तो भाई ये है, मतलब अपने ऊपर डिपेंड है, वो तो किसको कैसा फील होगा, लेकिन भाई ये है कि लगा लो बढ़िया है भाई। मतलब मैं इतनी ताव में गई, मम्मी पापा मुझे ऐसे बोल रहे कि जाओगे तो दवाई लेके आना, वो दवाई देंगे तुम लोगों को, अरे नहीं चढ़ रहा किसी, मतलब किसी को बुखार हुआ, किसी किसी को चढ़ रहा, हमें कहाँ चढ़ रहा, हम तो अच्छे। और फिर मजे की बात, फिर ईसा फिर चढ़ गया कल रात को, चावल खा लिए भाई दिन में, मतलब दिन में ये ठीक ठाक रही, कल रात को इसे फिर चक्कर चुक्कर से आने लग गए, मरीज हो रही वैसे ही, दिख रही इसकी शक्ल, दिख रही देख मरीज तो या वैसी हो रही, कुछ पता सता है नहीं खाने पीने का, अब तो यार ठीक ठाक सी, लेकिन अब भी कुछ ज्यादा पता नहीं अभी, क्योंकि अभी ना 7:30 हुए और इसका कांड हो सके 8-9 बजे, हाँ इसका हो सके कार्यक्रम ठीक है, लेकिन मेरे कुछ नहीं हुआ भाई, सिर्फ हाथ में दर्द है अभी भी है। लेकिन ये है कि उतना नहीं है, थोड़ा ठीक है, एक दो दिन में मामला नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, हाँ। जब हम वहाँ से निकले ना लगवा के, मतलब तो हम दोनों ऐसे पकड़ के चल रहे हैं, इसे तो रुई भी थी उसने लगाने के लिए, भाई लड़की थी इसको लगाने वाली, मेरे पास पता नहीं कौन बैठा था, उसने मुझे ऐसे कह दिया ऐसी उंगली लगा लो आप ठीक है। और उसके बाद जब हम निकले ना वहां से, बाइक वाइक धाके निकल रहे हम पूरी उसमें, फिर जब घर आए किसी को यहाँ दर्द हो रहा, किसी को यहाँ, हाँ, और भाई यहाँ हो रहा, पता नहीं अलग खतरनाक, मतलब लगवा के आए ना, एक तो हम बाइक से चले गए, वो बाइक मेरे से चल नहीं रही थी, फिर आते हुए मतलब मेरे हाथ में एकदम से झंझनाहट सी होगी इस वाले हाथ से, इससे क्लच प्रेस करते हैं बाइक में, वो हाथ में दर्द होने लग गया। फिर घर पहुंचे, कभी एकदम यहाँ सर में दर्द हो जा रहा, कभी कान में दर्द हो जा रहा, कभी गर्दन में दर्द हो जा रहा, कभी हाथ में दर्द हो जा रहा, कभी पैर में दर्द हो जा रहा, मतलब एकदम से कहीं कहीं पे एकदम से जैसे ना, मतलब जैसे कोई चुभा रहा हो ना कुछ, पिन सी ऐसे हो रहा था पूरे शरीर में, और इस साइड ज्यादा हो रहा, जिस साइड लगी थी उस साइड पे ही हरकत दिख रही थी मुझे तो, और तो और बाकी भाई बुद्धि में भी। एक बात तो फिक्स है कि कोई कितना ही बड़ा तुर्रम कहाँ बन रहा हो, दर्द तो होगा होगा हाथ में, मतलब थोड़ा पेन तो होगा, क्योंकि वो जब सर्कुलेट होगी ना बॉडी में तो इस हाथ में दर्द होगा, मतलब लेफ्ट में ही ज्यादातर लग रही लोगों के, तो जिस भी हाथ में वैक्सीन ठुकेगी ना उसमें दर्द तो होगा। और भाई ये मतलब फिक्स नहीं है कि बुखार, दूर रहो दर्द हाथ में, ये फिक्स नहीं है कि भाई बुखार आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे नहीं आया ना, मेरे हेडेक हुआ ना बुखार आया, एक मरीजों के आया, ये बगल में बैठे ना ये मरीज, मेरे आया बहुत तगड़ा आया, इनके आ गया बुखार बहुत तगड़ा, मेरे पहले से ना खांसी भी थी, तो शायद मेरे को पहले खांसी का चढ़ा और फिर दवाई का चढ़ा, ऐसे वाला सीन हो गया मेरे साथ, मेरे को 2 दिन पैरासिटामोल लेनी पड़ गई, कोई कोई 1 दिन लेता है, कुछ कुछ लेते ही नहीं है, हम जैसे को 2 दिन लेनी पड़ गई। इलाके एक्सपीरियंस सही था, अच्छा था, बट ऐसा है कि जरूरी है सबके लिए, लगवाओ सब, डरो मत, घरों में मत बैठे रहो, हम भी डर रहे थे, ये मुझे खींचतान के लेके गया कि नहीं चल, फिर कॉलेज वॉलेज खुल गया, कहीं जाना पड़ गया तो फिर मांगते हैं रिपोर्ट, सीधी सी बात है, तो हम दोनों लगवा के आ गए, हमारे घर वालों ने अभी भी नहीं लगवाया, उन्हें भी भेजेंगे, मतलब वो 45 प्लस है ना, तो इसलिए उनकी अभी नहीं लग रही, हम पता करके आ गए, 1 अगस्त के बाद आएगी, हरिद्वार वालों के लिए अपडेट है, 1 अगस्त के बाद आएगी 45 प्लस वालों की, तो उसके बाद वो जा सकते हैं, हल्ले पूरे मच रहे और जहां भी सेंटर पड़ रहा, और भाई बहुत तगड़ी भीड़ है एकदम, मतलब मजा आ जाएगा कि मिलते हैं अब, हमारे वैक्सीन लग गई, ये नहीं कि अब हम भागते फिरेंगे इधर उधर, लेकिन हम एक दो दिन में हम प्रोग्राम बना रहे कि हम हरिद्वार हरिद्वार घूम के आए, बताए कि लॉकडाउन के बाद क्या क्या चल रहा, ठीक है, तो लोग आएगा हरिद्वार का। और भाई एक और अपडेट ये है कि कोई भी अगर आउटर रीजन से ये वीडियो देख रहा है, और अगर वो कावड़ मतलब जो कावड़ भी स्टार्ट होने वाली है हरिद्वार में, उसके लिए अगर वो आना चाहते हैं तो भाई बैन हो चुकी है बिल्कुल, यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है, और अगर कोई आएगा तो भाई अपने रिस्क पे आना,
कोई यात्रा वात्रा अलाउड नहीं है इस बार, सब बंद कर दिया आज नई गाइडलाइंस आ गई और हरिद्वार में एक्सटेंड हो चुका है। हरिद्वार इस उत्तराखंड में दोबारा लॉकडाउन लग गया अगले हफ्ते तक, मतलब आज क्या है, आज ट्यूसडे वेनसडे, आज अगले वेनसडे तक हो गया, ट्यूसडे आज से, आज वेनसडे ट्यूसडे आज, चलो ट्यूसडे आज, अगले ठीक है अगले ट्यूसडे तक बंद है सब कुछ, सिर्फ जो दुकान उकान है वो खुलेगी 9 तारीख तक, मतलब 9 बजे तक, ठीक है। तो आज है 20 और 27, अगले 27 होगी एक हफ्ते बाद, 27 तारीख तक सब बंद कर रखा, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए भाई अपना घर में देख रहो, के चलना और एंजॉय करते रहो, क्या दिक्कत है, बाकी अपने सारी चीजें हैं करने के लिए घर में, अपने लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम घूम फिर सकते हैं, बस बाहर वालों के लिए दिक्कत है, लेकिन भाई गाइडलाइन है अपने लिए भी है, इम्पोर्टेंट है, मतलब घर में रहो, थोड़ा बच के सेफ सूफ रहो, हमें कुछ जरूरी हो रहा है तो ही हम बाहर जा रहे हैं, नहीं तो हम दोनों घर में ही हैं और हमारे पेरेंट्स भी ज्यादा से ज्यादा घर में ही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन। और अगर आप भी लगवा चुके हैं वैक्सीन तो प्लीज कमेंट में करना, कमेंट में बताना या फिर इंस्टाग्राम पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो भाई प्लीज कर लो, क्योंकि आधे लोग बिना सब्सक्राइब के ही निकल ले, भाग रहे थे, हाँ 70 मुझे क्या पता, भंगन बिहारी 70% लोग है ना, 70% लोग बिना वीडियो सब्सक्राइब करे निकल ले रहे हैं, हमारी व्यूज आ रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं, हाँ तो इसलिए भाई प्लीज 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 सपोर्ट करो, सपोर्ट करो भाई प्लीज, 150 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं, बस जल्दी जल्दी और करवाओ, 500 करवाओ, फिर बढ़िया हमारा गिव अवे आने वाला है, पता ही है आपको, गिव अवे देने वाले हैं, गिव अवे देने वाले हैं बहुत जल्दी, 500 करा, कोई 500 पे देता नहीं है बट हम देंगे, हम देंगे, हम 500 पे भी देंगे और जब अगले रीच पे जाएंगे 1000 पे हम तब भी देंगे, क्योंकि हम छोटे सेलिब्रेशन भी करेंगे और बड़े सेलिब्रेशन भी करेंगे, बिल्कुल सबके साथ, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी कराओ, ठीक है, बाय बाय, टिल देन बी सेफ एंड बी अवेयर, बाय बाय, और प्रिकॉशंस लेके रखना, बी सेफ, बाय बाय।